हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। मुझे नहीं मालूम आप किस टाइम पे देख रहे हैं इस वीडियो को। कल आपका लेक्चर नहीं हो पाया था बेटा, एक्चुअली ये डिजिटल बोर्ड में प्रॉब्लम हो गई थी और ये अपलोड नहीं कर पा रहा था चीज़ों को, तो कल नहीं बन पाया था वीडियो। समय मिलेगा तो मैं आपको एक दिन में दो वीडियो दे दूंगा, ठीक है बेटा? अच्छा भाई, हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्टार्ट करी थी जिसमें IUPAC स्टार्ट हुआ था, जिसमें एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैटेनेशन पावर, वैलेंसी क्या होती है, सब पढ़ लिया था। और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद हम लोगों ने IUPAC नेम करना सीखा था, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। रूट वर्ड हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन, और प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है वेदर द चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं एन, और अगर वो अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड आने पर इन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड आने पर आइन लगाते हैं। रूट वर्ड भी मैंने लिखवाया होगा आप लोगों को, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक एंड सो ऑन। और भी लिखवाता था मैं, लेकिन उसकी अब जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बोला कि मेरे भाई इसका IUPAC नाम कर दो, तो अपन कैसे पहचानेंगे कौन सा हाइड्रोकार्बन है, 6 × 2 = 12, जस्ट डबल है मतलब ये एल्कीन है, रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स और प्राइमरी सफिक्स फिलहाल अभी हो जाएगा इन, IUPAC नाम इज हेक्सीन। हमारे बच्चों ने कुछ फ्यू पॉइंट देखे, फ्यू पॉइंट में सबसे पहले मैंने आपको होमोलोगस सीरीज बताया, ऐसी फैमिली जिनके अगल बगल वाले मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस हो और फंक्शनल ग्रुप सेम हो, हम उन्हें कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अगर आपसे बोला जाए C4H10O और C5H12O, क्या ये होमोलोगस है? हाँ, ये होमोलोगस है, CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, यही चीज अगर मैं खोल के बना दूं, ऐसे बना दूं और इसको मैं, हाँ अभी भी ये क्या है, होमोलोगस है। लेकिन अगर मैं इसके स्थान पर चित्र ये बना दूं, तो अब क्या ये होमोलोगस होंगे? तो अब होमोलोगस नहीं होंगे। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था sp3-pi रूल से, कार्बन ने जितने पाई बॉन्ड बनाए हैं उसको 3 में से माइनस करते जाइए, उसका हाइब्रिडाइजेशन आता जाएगा। ओलिफिनिक बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कहते हैं, बताया था बेटा, और एसिटिलिनिक बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं, राइट बेटा। इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी कार्बन आपको बताया, एक कार्बन से कितने कार्बन लगे हैं ये इस चीज को डिसाइड करता है। मैंने आपको छोटे छोटे सवाल भी कराए थे, प्यारे प्यारे सवाल कराए थे, उम्मीद करते हैं आपको वो सवाल अच्छे लगे होंगे और आप अच्छे से रिवाइज करके आए थे। क्या मैंने कोई HW दिया था? क्या दिया था? केमिकल बॉन्डिंग में, अच्छा उतनी थ्योरी पढ़ लेना जितनी थ्योरी में फर्स्ट शीट सॉल्व हो जाए। क्या आप लोगों ने किया? आई होप आप लोगों ने किया होगा। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने कहा था उतनी थ्योरी पढ़नी है जितनी थ्योरी में फर्स्ट शीट सॉल्व हो जाए, आई होप आप लोगों ने किया होगा। आगे बढ़ने से पहले आज का HW, पहला HW पीछे का काम है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको वो थ्योरी पढ़नी है, उतनी थ्योरी पढ़नी है जितनी थ्योरी से C2 सॉल्व हो जाए, ये पीछे का HW है। और छोटा सा HW ये होगा कि जो IUPAC का करंट टॉपिक है उसको रिवाइज करके आएंगे, बस। ओके, इतना काम हमने आपको दिया है अगली क्लास जो कल होगी उसके लिए, ठीक है। अब बच्चों मैं चालू करने जा रहा हूं आज की क्लास। हमें चौथा पॉइंट बेटा पढ़ना है, चौथा पॉइंट बेटा है एल्किल ग्रुप। R पे फ्री वैलेंसी,
इसे बेटा हम लोग एल्किल ग्रुप कहते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, फ्री वैलेंसी होती है, ये कोई निगेटिव चार्ज नहीं होता है। क्या मतलब होता है फ्री वैलेंसी का, मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सुन बेटा, क्या है एल्किल ग्रुप? देखो बेटा, अगर एल्केन की बात करें, आप जानते एल्केन में जो कार्बन होते हैं, या तो उनकी वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई होती है, या फिर उनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है। आपको मालूम है चार हाथ होते हैं, चारों हाथ किसी न किसी चीज से जुड़े हुए होते हैं। अच्छा भाई, अगर बेटा इस एल्केन से हम एक एच को हटा दें तो बची हुई चीज को हम लोग कहते हैं एल्किल ग्रुप, और इसे डिनोट करते हैं आर से। सवाल ये उठ रहा था, डंडे का मतलब क्या है? बेटा जब किसी कार्बन से आपने एच को हटाया तो उस कार्बन का एक हाथ फ्री हो गया, एक वैलेंसी फ्री हो गई। ये बेटा वही फ्री वैलेंसी होती है। ओके बेटा, अब मेरी जरा बात सुनना। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो आप जरा सोच के बताओ, अगर एल्केन से आपने एक एच हटाया है तो एल्किल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1 और फ्री वैलेंसी। इज इट क्लियर बेटा? ओके बेटा, धन्यवाद। ध्यान दो। अगर बात करें IUPAC की, तो IUPAC कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल होता है, ध्यान सब देखेंगे। या IUPAC में आपको हल्का सा हिंट तो मैं आपको दे ही सकता हूं। देखिए, एल्केन का IUPAC आपने किया, एल्क रूट वर्ड लिखा प्लस प्राइमरी सफिक्स किया ए। जब एल्किल ग्रुप का IUPAC करते हैं, अभी विधिवत समझाऊंगा, अभी मोटा मोटा बता रहा हूं, जितने कार्बन है उसका रूट वर्ड लिखेंगे एल्क, लेकिन यहां पे हम लोग प्राइमरी सफिक्स नहीं लिखते हैं। ओके बेटा, इधर देखो बेटा, हाँ यहाँ पे जब IUPAC नाम करते हैं तो रूट वर्ड अपन एल्क लिखते हैं, लेकिन प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? रीजन क्या है बेटा? आपको मालूम है कि सिंगल बॉन्ड को हम लोग फंक्शनल ग्रुप तो मानते नहीं है, उसकी पोजीशन दिखाने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। तो इसका नाम हम लोग सिंपल क्या करते हैं, रूट वर्ड लिख देते हैं और प्लस कर देते हैं एल। ओके, तो इसका नाम हम लोग कैसे करते हैं, मैं आपको सिंपल भी बता रहा हूँ, ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, अभी अंदर घुसेंगे थोड़ी देर के बाद। इसका नाम सिंपल कैसे करेंगे, हम लोग रूट वर्ड लिख देते हैं और प्राइमरी सफिक्स नहीं लगाएंगे, सीधे लगा देते हैं हम लोग एल। ओके होगी बात? अच्छा बेटा सुनना, जिस प्रकार से आप एल्केन से एच हटाने पर बची हुई चीज को एल्किल ग्रुप कहते हैं, उसी प्रकार से डियर आप एल्कीन या एल्काइन से अगर एक एच हटाएंगे तो वहां पर भी कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अब देखना, तो इन ग्रुपों को हम लोग कहते हैं एल्क प्लस। यहां पे हम लोग प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं और प्लस कर देते हैं इल ग्रुप। सवाल ये उठ रहा कि यहां पे प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल क्यों किया? बहुत ही आसान तरीका समझने का, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग मानते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो उनकी पोजीशन बताना जरूरी होता है, इसलिए हम लोग यहां पर प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल रूट वर्ड और इल लगा देते हैं, जबकि यहां पर रूट वर्ड के साथ प्राइमरी सफिक्स भी लगाते हैं और प्लस इल कर देते हैं। राइट, लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी देखिए बेटा। ओके, अब हम लोग एग्जांपल्स इसके देखेंगे, आप ये नेम अब लिखना मत। ओके, वो हम डिटेल में आपको समझाएंगे, अभी मैंने ऐसे आपको बता दिया है। तो एल्केन से बनने वाले ग्रुप को एल्किल ग्रुप कहेंगे, एल्कीन और एल्काइन से बनने वाले ग्रुप को एल्किनिल या एल्काइनिल ग्रुप हम लोग कहेंगे। ओके बेटा, अच्छा एग्जांपल्स देखें, चलो एग्जांपल देखते हैं।
बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कूलली पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे केस में जल्दीबाजी नहीं कुछ। आइए, क्या कहा, कितना छोड़ दें? चाहिए सही करिए जाके उसमें। चलिए ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे सब लोग देखेंगे बेटा, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, एक कार्बन का एल्केन है, एक कार्बन का रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, मीथेन नाम हो गया। मैंने क्या किया बेटा, मीथेन से एक एच को हटाया तो ये जो ग्रुप बना इसका नाम क्या होगा, रूट वर्ड हो गया एल्क, और प्लस कर देंगे इल, नाम हो गया मैथिल ग्रुप, और सॉल्ट में इसको लिखते हैं एम ई। क्या लिखते हैं बेटा, एम ई। आप देख रहे हैं हमने रूट वर्ड के साथ इल लगा दिया, प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मीथेन से बना एल्किल ग्रुप होगा मिथाइल ग्रुप या मैथिल ग्रुप। सिमिलरली हमने आपको ये दिया, ऑफ कोर्स दो कार्बन का एल्केन है, इथेन होगा, हमने इससे एच को हटाया, क्या हुआ, दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप प्राप्त हो गया, बोले तो इथाइल ग्रुप। बोले तो इथाइल ग्रुप, इसको शॉर्ट में हम लोग ईटी से लिख देते हैं। आप इसको कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, अभी जो भी एल्किल ग्रुप में आपको दिखा रहा हूं वो एल्केन से बनाकर दिखा रहा हूं। ये बड़ा क्या है, तीन कार्बन का एल्केन है, ये रूट वर्ड होगा प्रो, और प्राइमरी सफिक्स होगा ए। अब आपको पेन बंद करना पड़ेगा और सामने देखना पड़ेगा। देखिए, देखो ना, जब आप प्रोपेन से प्रोपाइल ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा। देखिए क्या, इन दोनों में एक ही प्रकार के कार्बन थे प्राइमरी प्राइमरी, जबकि प्रोपेन में देखिए दो प्रकार के कार्बन है, टर्मिनल कार्बन इज प्राइमरी एंड दिस कार्बन इज सेकेंडरी। तो आपने एच को किस कार्बन से हटाया है उस आधार पर आपके जो प्रोपाइल ग्रुप होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं बेटा। जैसे अगर आपने प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया है तो जो फ्री वैलेंसी आएगी ये प्राइमरी कार्बन पर आएगी, तो आप इसे नाम देंगे प्राइमरी प्रोपाइल ग्रुप। बेटा बोलो क्या नाम दोगे, प्राइमरी प्रोपाइल ग्रुप। और अगर आपने एच को सेकेंडरी कार्बन से हटाया तो जो फ्री वैलेंसी आएगी वो सेकेंडरी कार्बन पर आएगी, तो हम लोग इसको जो नाम देंगे वो कहेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। ओके, तो बड़ा जो प्रोपाइल ग्रुप होता है ना वो दो प्रकार का पॉसिबल है, प्राइमरी प्रोपाइल भी पॉसिबल है और सेकेंडरी प्रोपाइल भी पॉसिबल है। अगर फ्री वैलेंसी प्राइमरी कार्बन पर है तो प्राइमरी प्रोपाइल कहेंगे, और सेकेंडरी कार्बन पे है तो सेकेंडरी प्रोपाइल कहेंगे। ओके बेटा, लिख लिया। हटा दे बेटा इसको, हटा दे। अच्छा बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले बेटा एग्जांपल है, चार कार्बन का एल्केन ब्यूटेन। फिर से वही बात है, अगर ब्यूटेन से हम एक एच हटाएंगे तो हमें मिलेगा ऑफ कोर्स रूट वर्ड होगा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे नहीं क्योंकि एल्केन से बना है, सीधे लगा देंगे इल, नाम हो गया ब्यूटाइल ग्रुप, या शॉर्ट में ब्यूटिल ग्रुप भी कह सकते हैं। अब सोचो, जब
प्रोपाइल ग्रुप दो प्रकार का हो सकता है, तो ब्यूटाइल में तो हुजूर चार कार्बन है, ये तो और ज्यादा प्रकार का होगा। हाँ ये और ज्यादा प्रकार का होता है, ये होता है 211 प्रकार का। नहीं नहीं परेशान ना हो, ये होता है एक्चुअली चार प्रकार का। लर्निंग ट्रिक है 211। 211 का मतलब क्या है, ये जो चार प्रकार का होता है उस चार प्रकार में से दो प्रकार के होते हैं प्राइमरी, एक प्रकार का होता है सेकेंडरी और एक प्रकार का होता है टर्सरी। मतलब ब्यूटाइल ग्रुप चार प्रकार का है जिसमें से दो प्राइमरी बनते हैं, एक सेकेंडरी बनता है और एक टर्सरी बनता है। आइए मैं अपने छात्रों को ये चारों बनाकर भी दिखाऊं। देखो दो प्राइमरी है मतलब फ्री वैलेंसी प्राइमरी कार्बन पे होगी। आप सिंपल क्या किया करो बेटा, सबसे पहले क्या किया करो, नॉर्मल वाला बना दिया करो। एक मेरे मुंह से नया शब्द निकल गया नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या होता है, देखिए नॉर्मल शब्द हम तब इस्तेमाल करते हैं जब उस मॉलिक्यूल में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ना हो। जब आप नंबरिंग करें तो सारे कार्बन एक सीधी रेखा में आ जाएं, कोई भी कार्बन मिस ना हो पाए, ऐसे कंपाउंडों को कहते हैं नॉर्मल। अब देखिए 1 2 3 4 सारे कार्बन आ गए, क्या कोई कार्बन छूटा नहीं, तो व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल। आप कुछ भी बना दो, कितना भी लंबा बना दो, ये क्या है नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन कहीं पर अगर ऐसे कर दिया आपने, अब ये नॉर्मल नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे करोगे तो ये छूट गया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करोगे तो ये छूट गया, तो ये नॉर्मल नहीं कहलाएगा। नॉर्मल का मतलब होता है सारे कार्बन काउंट हो जाएं एक सीधी रेखा में। ठीक है, आप देखना बेटा, आपने ये नॉर्मल वाला प्राइमरी बना दिया फ्री वैलेंसी प्राइमरी कार्बन पे। अच्छा भाई यार ट्रिक कहती है कि प्राइमरी वाले दो बनेंगे। अब देखना, अगर मैं इस कार्बन को जो अभी इससे लगा है तोड़कर इस कार्बन पे लगा दूं तो भी रहेगा तो प्राइमरी ही, लेकिन नेचर, लेकिन चेन बदल जाएगी, कंपाउंड बदल जाएगा। तो मैंने इसको तोड़कर इस वाले पे लगा दिया, आप देखिए अभी भी ये क्या है प्राइमरी, ये भी प्राइमरी ब्यूटाइल है, ये भी प्राइमरी ब्यूटाइल है, दो प्रकार के प्राइमरी बन गए। अब क्या बनाना है सेकेंडरी। अगर इसको आगे बढ़ा के यहां लगा दें तो फ्री वैलेंसी सेकेंडरी कार्बन पर हो गई, ये क्या बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल बन गया। एक क्या बनाना था टर्सरी, अगर इसको तोड़ के इस पे लगा दें तो आप देखिए टर्सरी कार्बन पर फ्री वैलेंसी आ गई, तो ये कौन सा बन गया टर्सरी। ओके बेटा बिल्कुल आराम से, तो ब्यूटेन से जब एच हटाया ब्यूटाइल ग्रुप बना, ब्यूटाइल ग्रुप चार प्रकार का होता है। लर्निंग ट्रिक है 211, दो बनेंगे प्राइमरी फ्री वैलेंसी प्राइमरी कार्बन पर होगी, एक बनेगा सेकेंडरी फ्री वैलेंसी सेकेंडरी कार्बन पर होगी, एक बनेगा टर्सरी फ्री वैलेंसी टर्सरी कार्बन पर होगी। गॉट इट बेटा, चल तो मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, दो प्रकार के प्रोपाइल हो गए, चार प्रकार के ब्यूटाइल हो गए। आगे बढ़े, ये इसके नीचे बना लीजिएगा और चाहो तो डब्बे में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पेंटेन की तरफ चलते हैं हम लोग, हटा दे बेटा इसको। आइए अब हम लोग चलते हैं पेंटेन की तरफ, फिर वही बात है, अगर पेंटेन से आप एच हटाएंगे तो जो ग्रुप बनेगा उसका नाम होगा पेंटाइल ग्रुप। भाई रूट वर्ड लिख दिया पेंट, प्राइमरी सफिक्स कुछ लगाएंगे नहीं, सीधे लगा देंगे इल। विचार कीजिए हुजूर, प्रोपाइल दो प्रकार का, ब्यूटाइल चार प्रकार का, तो जाहिर सी बात है ये चार से ज्यादा ही प्रकार का होगा। लर्निंग ट्रिक है 431, क्या बताओगे इसका मतलब क्या होगा। ये टोटल होता है आठ प्रकार का, जिसमें से चार होते हैं प्राइमरी पेंटाइल, तीन होते हैं सेकेंडरी पेंटाइल
और एक होता है टर्सरी पेंटाइल। यही आपका SW भी है। आपका SW ये है कि आठों प्रकार के पेंटाइल का आप स्ट्रक्चर बनाकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ओके बेटा, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बना दीजिएगा नॉर्मल वाला प्राइमरी, फिर ब्रांचिंग लगाते जाइएगा। चार आपको प्राइमरी बनाने हैं, एक आपको सेकेंडरी बनाना है, सॉरी तीन आपको सेकेंडरी बनाने हैं और एक आपको टर्सरी बनाना है। ओके बेटा, तो ये हमारे बच्चों ने देख लिया अबाउट द एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अच्छा सुनना बेटा, सुनना बेटा, मेरी बात सुनेंगे सब लोग, आगे बढ़े। जब मैं ये एल्काइल ग्रुप अपने बच्चों को पढ़ा देता हूं तो मैं यहां पर दो ग्रुप और आपको बताना चाहूंगा। एक है वेरी पॉपुलर आइसो ग्रुप और दूसरा है नियो ग्रुप। सुनिएगा ध्यान से, देखना बेटा, ये आइसो ग्रुप क्या होता है? देखिए, एक ऐसा कार्बन जिसकी दो वैलेंसी पर मिथाइल ग्रुप हो, तीसरी वैलेंसी पर हाइड्रोजन हो और चौथी वैलेंसी फ्री हो, तो तीन कार्बन के इस बल्की ग्रुप को हम कहते हैं आइसो ग्रुप। आप जानते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये दो स्थान ऐसे हैं जहां पर हाइड्रोजन का भरपूर महत्व होता है। दो वैलेंसी पर मिथाइल और तीसरी वैलेंसी पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी हम इस ग्रुप को आइसो ग्रुप का नाम देंगे। अगर इस H को हटा दिया, कुछ और लगा दिया, तो फिर ये आइसो ग्रुप नहीं कहलाएगा। तो यहां से मेरे बच्चों को ये समझ में आता है कि आइसो ग्रुप बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने कार्बनों की जरूरत होगी? तीन। तो आइसो ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम तीन कार्बनों की जरूरत पड़ती है। बात करते हैं नियो ग्रुप क्या होता है। एक ऐसा कार्बन जिसकी तीन वैलेंसी पर मिथाइल हो, चौथी वैलेंसी पर CH2 हो और इस CH2 का एक वैलेंसी खाली हो, अर्थात पांच कार्बन के इस बल्की ग्रुप को हम कहते हैं नियो ग्रुप। मतलब नियो बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? पांच कार्बन होने चाहिए। ध्यान रखना बेटा, जब तक ये CH2 रहेगा तभी तक नियो रहेगा। अरे यार, ये दो ही स्थान तो ऐसे हैं जहां पर हाइड्रोजन की वैल्यू की जाती है, वरना तो हुजूर हाइड्रोजन की वैल्यू कहीं की ही नहीं जाती। ये तभी तक आइसो रहेगा जब तक ये CH है, और ये तभी तक नियो रहेगा जब तक ये CH2 है। अगर H को हटा के आपने कार्बन की चेन या कोई दूसरा फंक्शन ग्रुप लगा दिया तो फिर ये नियो नहीं रहेगा और ये आइसो नहीं रहेगा। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं आपने आइसो और नियो ग्रुप समझा होगा। तो आइसो बनाने के लिए मिनिमम तीन कार्बन और नियो बनाने के लिए मिनिमम पांच कार्बनों की जरूरत पड़ती है। ओके, लिख लिया है? अच्छा आओ बेटा देखते हैं। ये हो गया आइसो, हो गया नियो, हो गया। जब देखते हैं हमारे स्टूडेंट क्या कर पाएंगे। आइए एक क्वेश्चन दे देते हैं, आइडेंटिफाई आइसो एंड नियो ग्रुप। आइडेंटिफाई आइसो और नियो ग्रुप, देखते हैं कितने बच्चे पहचान पाएंगे। एक कंपाउंड ये दे दिया, एक कंपाउंड ये दे दिया,
एक कंपाउंड ये दे दिया और एक कंपाउंड ये दे दिया। मैंने आपसे पूछा आइसो और नियो ग्रुप को आइडेंटिफाई करिए। आइसो आप समझ गए होंगे, CH3CH CH3 इज आइसो। नियो क्या है? CH3CH3CH3C CH2 इज नियो। आप देख सकते हैं पहले वाले के पास आप लोगों को CH3CH CH3 दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है, बताओ तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये आपका आइसो ग्रुप हो गया। ठीक, क्या नियो ग्रुप है? नहीं, CH3CH3CH3C CH2 चाहिए है, जबकि ये CH है, मतलब यहां पर नियो ग्रुप नहीं है, सिर्फ आइसो ग्रुप उपस्थित है। ओके, यहां पर आइए, क्या है यहां पर देखिए, CH3CH CH3 एक आइसो ग्रुप ये है और CH3CH CH3 एक आइसो ग्रुप ये है। Am I right? यहां पर आइए, आप देख सकते हैं CH3CH CH3। आप ध्यान से देखिएगा, इसके पास H होगा, तीन वैलेंसी भरी है, चौथे पर H होगा, तो CH3CH CH3 हाँ, ये कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप है। ये देखिए CH3CH3CH3 C और ये रहा CH2। ध्यान से देखें तो ये कौन सा ग्रुप है? ये नियो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ये नियो ग्रुप है। एम राइट? इसके पास CH2 होगा, हाँ होगा, दो कार्बन पे वैलेंसी भरी हुई है तो रिमेनिंग दो पर हाइड्रोजन होगा। अच्छा बेटा, अब जरा यहां पर आइए, अगर बेटा यहां पर देखें, अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मैंने अपने बच्चों को खोलना नहीं सिखाया है? सिखाया है। CH3 का होल क्यूब का मतलब है कि इस कार्बन पर तीन CH3 ग्रुप लगे होंगे। अच्छा, सिंगल बॉन्ड CH2 होगा, सिंगल बॉन्ड CH3 होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास नियो ग्रुप है, ये देखिए, मतलब ये जो चार कंपाउंड आपके सामने बने थे, पहले वाले के पास सिर्फ आइसो है, दूसरे वाले के पास दो आइसो है, तीसरे वाले के पास सिर्फ नियो है और चौथे वाले के पास एक आइसो और एक नियो है। मैं उम्मीद करता हूं आप आइसो और नियो ग्रुप पहचानना सीख गए होंगे। ओके, हम आगे बढ़ जाएं बेटा, आप लिख चुके होंगे शायद, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम लोग बेटा बात करेंगे यहां पर एल्काइल ग्रुप के नेम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे एल्काइल ग्रुप के जनरल नेम कैसे किए जाते हैं। देखिए, जनरल नेम बड़ा कैसे करते हैं, हम जिस कार्बन पर वैलेंसी फ्री होती है, मतलब जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है उसका नेचर क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, जो उस कार्बन का नेचर होगा वो उस एल्काइल ग्रुप का नेचर होगा। मैंने अभी समझाया भी था आपको, अगर प्राइमरी कार्बन पे वैलेंसी फ्री है तो वो प्राइमरी एल्काइल होगा, टर्शरी कार्बन पर वैलेंसी फ्री है वो टर्शरी एल्काइल होगा। तो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप लिख दिया प्लस, जितने टोटल कार्बन हो उसका रूट वर्ड लिखेंगे और प्लस कर देंगे इल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था, एल्केन से जो एल्किल बनते हैं उनमें प्राइमरी सफिक्स नहीं लिखा जाता। या सुन बेटा, या जिस एल्किल ग्रुप का जनरल नाम लिखना है, अगर उस एल्किल ग्रुप के पास आइसो या नियो ग्रुप है तो आप आइसो या नियो लिख देंगे और प्लस लिख देंगे एल्किल। क्या लिख देंगे बेटा बोलो, प्लस करके एल्किल। ये जनरल नाम का तरीका है। अभी थोड़ी देर बाद आप सीख जाएंगे कि आइसो नियो लिखना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से ज्यादा अच्छा होता है,
क्यों ज्यादा अच्छा होता है, अभी आप सीख जाएंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा। आइए एग्जाम्पल्स किए जाए। जैसे मैंने आपको ये दिया, ठीक, मैंने आपसे बोला बताइए जरा इसका जनरल नेम क्या होगा। आप देखिए फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है उसका नेचर क्या है, सेकेंडरी है बेटा, सेकेंडरी। तो आपने क्या लिखा, सेकेंडरी लिखा प्लस कुल कार्बन कितने हैं, तीन, रूट वर्ड हो गया प्रोप प्लस कर दिया इल, तो जनरल नेम हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। बेटा बोलो क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसका एक नाम और भी लिख सकते हैं, आपको इसमें आइसो ग्रुप दिखाई पड़ रहा है तो आप इसका नाम ये भी लिख सकते हैं आइसो प्रोपाइल ग्रुप। बेटा बोलो क्या लिख सकते हैं, आइसो प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा भाई मान लीजिए मैंने आपको एक कंपाउंड ये दे दिया, एक ये एल्किल ग्रुप दे दिया, मैंने आपसे पूछा भाई इसका यूपीसी नाम बताइए, फिर देखिए सॉरी जनरल नाम बताइए, जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है उसका नेचर क्या है, टर्शरी, तीन तरफ कार्बन से लगा, पहला लेक्चर आपने देख लिया होगा आई होप। तो आपने नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप लिखा टर्शरी, टोटल कार्बन कितने, चार, चार कार्बन का रूट वर्ड हो गया ब्यूट प्लस कर दिया इल, जनरल नेम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, क्या आइसो या नियो में से कुछ भी दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इसका नाम सिर्फ होगा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, अब जरा देखिए अगला, देखिए बेटा मैंने ये दिया, अब यहां से आपको समझ में आएगा कि आइसो नियो को प्रायोरिटी क्यों देते हैं। इस एग्जांपल को देखिए आपको फीलिंग बदल जाएगी, देखना भी। मैंने कहा भाई इसका जनरल नेम बताओ, आप जा देखना, अगर तुमने नेचर से काम करने का प्रयास किया, नेचर से कि जिस पर फ्री वैलेंसी है उसका नेचर क्या है, प्राइमरी, समझना, तुमने इसका नाम रख दिया प्राइमरी, कुल कार्बन कितने हैं, चार, प्राइमरी ब्यूटाइल ग्रुप। ग्रुप बेटा सभी में लगाएंगे क्योंकि ये एल्किल ग्रुप है ना, इस पर फ्री वैलेंसी है तो ग्रुप सभी में लगाया जाएगा। अब देखो बेटा आपने इसका नाम बोल दिया प्राइमरी ब्यूटाइल ग्रुप, अब समझना जरा, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को रब कर दूं और इस क्लास से कहूं बताइए प्राइमरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होगा, तो मैं डंके की चोट पे बेटा आपको बताऊं कि आधे क्लास के बच्चे प्राइमरी ब्यूटाइल ये बनाएंगे और आधे क्लास के बच्चे प्राइमरी ब्यूटाइल ये बनाएंगे। आप देखिए अभी 5 मिनट पहले आपने पढ़ा था कि ब्यूटाइल ग्रुप के प्राइमरी वाले दो प्रकार के होते हैं, ये भी प्राइमरी ब्यूटाइल है, ये भी प्राइमरी ब्यूटाइल है। मतलब प्राइमरी ब्यूटाइल लिखने से दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर की बात हो रही है या नीचे वाले स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जबकि जबकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके पास आइसो ग्रुप है, तो अगर इसके स्थान पर मैं इसका नाम लिखूं आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, तो बेटा पूरी क्लास ये नाम दिए जाने पर यही चित्र बनाएगी क्योंकि इसके पास तो आइसो ग्रुप है ही नहीं। मतलब आइसो या नियो बोलने पर कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाता है, जबकि प्राइमरी सेकेंडरी बोलने पर कंफ्यूजन बना रहता है। नाम इसके दोनों ही सही है, ये प्राइमरी ब्यूटाइल है लेकिन अच्छा नाम इसका होगा आइसो ब्यूटाइल, क्योंकि प्राइमरी ब्यूटाइल बोलने पर चित्र यह भी बन सकता है। ओके डियर, ओके, तो ध्यान रखना बेटा अगर ऐसे भी नाम लिखा जा सके और ऐसे भी नाम लिखा जा सके तो आप आइसो और नियो वाले को प्रायोरिटी देंगे, प्राइमरी सेकेंडरी वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। हां मान लो तुम्हारे एग्जाम में सवाल ही आ जाए कि आइसो ब्यूटाइल ग्रुप इज ए प्राइमरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, क्वार्टनरी ब्यूटाइल, हाँ तो अलग बात है, आप आंसर बताएंगे दिस इज ए प्राइमरी ब्यूटाइल। ओके बेटा एक नाम और देते हैं आपको,
जनरल नाम करने को, एक और देते हैं जनरल नाम करने को, मैंने ये दिया, समझिएगा बेटा मेरी बात, नो रेक्टिफिकेशन, फिर समझना। मैंने कहा भाई इसका जनरल नाम बताओ। अब सोचो यार, अगर तुमने इसका जनरल नाम प्राइमरी करके किया, प्राइमरी पेंटाइल ग्रुप, तो दिमाग पे जोर डालो, प्राइमरी पेंटाइल चार प्रकार के होते हैं, 431। मतलब अगर तुमने इसका नाम प्राइमरी पेंटाइल लिख दिया तो क्लास का 25% बच्चा अलग चित्र बनाएगा, 25% बच्चा अलग चित्र बनाएगा, 25% बच्चा अलग चित्र बनाएगा, और 25% बच्चा अलग चित्र बनाएगा, क्योंकि प्राइमरी पेंटाइल होते हैं चार प्रकार। इसे अच्छा रहेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी ना करके आप ध्यान दें कहीं इसमें आइसो या नियो ग्रुप तो नहीं है। बताओ बेटा क्या है आइसो या नियो? नियो ग्रुप है, CH3 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 CH2। ये देखिए इसके पास नियो ग्रुप है और टोटल कार्बन है 5, इसका नाम हो गया नियो पेंटाइल ग्रुप। ओके बेटा, नाम क्या हो गया? नियो पेंटाइल ग्रुप। और इसी का एक नाम और होता है नियो एमाइल ग्रुप। तो प्राइमरी सेकेंडरी से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है आइसो और नियो। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट, आफ्टर आईयूपीएसी नेम, हम जनरल नेम, हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेम की। आईयूपीएसी नेम की हम बात करेंगे। देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी एल्किल ग्रुप का आईयूपीएसी नाम करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, साथ में लिखिए, जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी हो उसे एक नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल चेन छाटो। जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी हो उसे एक नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन प्रिंसिपल चेन छाटो। ओके, ध्यान सब देखेंगे। अब आप लोगों ने कल ही मुझसे पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जितने कार्बन आए उसका क्या लिखोगे? रूट वर्ड। क्या लिखोगे? रूट वर्ड, ध्यान देना। प्लस करेंगे प्राइमरी सफिक्स, ध्यान रखिएगा प्राइमरी सफिक्स एन भी होता है, इन भी होता है, और बोलो आइन भी होता है। और मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि एन वाला प्राइमरी सफिक्स एल्किल ग्रुप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर एल्केन से कोई एल्किल ग्रुप बना है तो रूट वर्ड लिखने के बाद सीधे हम लिख देते हैं इल। बेटा बोलो क्या लिख देते हैं? इल। लेकिन एल्कीन या एल्काइन से अगर कोई एल्किल ग्रुप बना है तो अफकोर्स आपको प्राइमरी सफिक्स इन या आइन भी लिखना पड़ेगा। तरीका वही होता है, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस कर देते हैं इल। ओके, एक नंबर किसको दोगे? जिस पर फ्री वैलेंसी है और लॉन्गेस्ट चेन छाटोगे। याद करिए मैंने हाइड्रोकार्बन के नाम भी ऐसे लिखवाए थे, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, वहां पर इल नहीं था। वहां पर इल क्यों नहीं था? क्योंकि हाइड्रोकार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है आइदर कार्बन से और हाइड्रोजन से। यहां पर इल क्यों लगाया? क्योंकि इस पर एक फ्री वैलेंसी है। प्राइमरी सफिक्स में ध्यान रखना इन आइन का इस्तेमाल होता है लेकिन एन का आइन इस्तेमाल नहीं होता। ओके, आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, एक दो मैं कर देता हूं फिर आप करिएगा, ठीक है? मान लो मेरे भाई मैंने ये दिया, ये बेटा
मैंने ये दिया है।